मन में धर्म या धर्म में मन? आप पूछो दोनों में क्या फर्क, मन में धर्म या धर्म में मन, दोनों में फर्क क्या है? उठी जा रही बस बड़ा फर्क है। मन में धर्म उसका क्या मालूम है? मान के मन नाम का मकान है, उसमें धनचंद भाई, सुभाष चंद भाई, ऐसे बहुत सारे लोग रहते, इसमें धर्मचंद भाई भी रहते। मन नाम के मकान में बहुत सारा रहता है, तो उसके अंतर्गत में धर्म भी रहता है, तो मन में धर्म हुआ। मन में धर्म याने मन में बहुत सारी चीजें, साथ में धर्म भी है। जब घर संभाला तब घर मेरे मन में है, जब दुकान जाना है तो दुकान मेरे मन में है, जब पूजा करने जाने तो भगवान मेरे मन में है। लेकिन भगवान आप भी मेरे मन में हो, लेकिन आप ही मेरे मन में हो ऐसा नहीं, आप भी हो आप ही नहीं, भी और ही में ये डिफरेंस है, समझ लेना। आप भी और आप ही, बहुत फर्क है। भी में जोर नहीं है, ही में जोर है। जो धर्म में मन लगाए वो सोया है तभी धर्म में है, वो भोजन करता है तो भी धर्म में है। और जिसके पास हर जगह और मन भटकता है, भले धर्म में ही करता है, वो धर्म के क्षेत्र में हो तभी वो संसार में है। सामयिक में, सामयिक में शेठ बैठे थे, सामयिक में बैठे थे और बाहर उनके जोड़ा यानी बुद्ध जैसे थे, सामयिक में बैठे बैठे उसकी नजर वहां गई और सोचा समय पूरा होने के बाद मोची के पास जाना है, नया बुद्ध सिलाना है। वो ऐसा सोच रहे थे, पुत्र वधु ने देखा ससुरा जी सामयिक में बैठे और जोड़ा की चिंता कर रहे हैं, और उस समय बाहर से किसी ने पूछा वो शेठ कहाँ है, शेठ घर पे है या नहीं, तो पुत्र ने कहा वो तो चमार वाले मोची वाले में गया है, मोची के पास गए बैठे थे, सामयिक में बैठे थे, और पुत्र ने कहा वो तो मोची के घर पे गए। शेठ ने सुना उसको गुस्सा गया, क्या बोलती है इतना झूठ, मैं ये बैठा हूँ सामयिक में और कहती है पुत्र वो तो मोची के घर पे गए। बड़े गुस्सा गया और कहा अरे पुत्र जी आप क्या बोलते हो, आपकी नजर के सामने मैं बैठा हूँ, बैठा हूँ यहाँ, और आप बोलते पहुंचे के घर में, लेकिन आपका सर ही बैठा है, आपका मन कहाँ है? आपका मन तो वहां पहुंचा हुआ है। बात यह है, मन में धर्म होगा उससे काम नहीं होगा। धर्म में